चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था, काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है। इमरान खान का कहना है कि पीर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे, मेरी पेशनगोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। उनका कहना था, इक्तदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर खारजा को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान का कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझसे ज्यादा बैरून मुल्क के दौरे किए, अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं तो क्या बिलावल के ये निजी दौरे हैं। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है और जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, जबकि हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटाबेस मौजूद है।